हेलो फ्रेंड्स, आप सारे लोगों को ये तो पता है कि पायलट्स की जो जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है, पर क्या आप लोगों को ये फैक्ट पता है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है रिलेटेड टू वर्क। आज के वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हजार्ड्स होते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लाइफ में एंड उनके क्या सोल्यूशंस होते हैं प्रोबेबल। सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो बेसिकली जो हजार्ड्स होते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लाइफ में, उन्हें दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज हेल्थ हजार्ड्स एंड सेकंड वन इज सेफ्टी हजार्ड्स। सो हेल्थ हजार्ड्स में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में चेंजेस आने के लिए या हमारे रूटीन में चेंजेस आने की वजह से हमारी हेल्थ को जो इफेक्ट पड़ता है, हमारे हेल्थ पे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमारे हेल्थ पे जो वर्स इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में होता है। सो बेसिकली सबसे पहला जो हेल्थ हजार्ड होता है वाइल वर्किंग इन एविएशन इंडस्ट्री या फिर वाइल वर्किंग एज एन टेक्नीशियन इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर फील्ड, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है चेंज इन डेली शिफ्ट्स। सो बेसिकली हमारे जो बॉडी है वो अडेप्ट हुई रहती है एक प्रॉपर डेली रूटीन के लिए, जिसके वजह से हमारी बॉडी में वो फिक्स रूटीन चलते रहता है थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द होल लाइफ। बट जब भी हमारी शिफ्ट चेंज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल डे शिफ्ट से अगर हमारी नाइट शिफ्ट हो जाती है, नाइट शिफ्ट से अगर डे या फिर आफ्टरनून शिफ्ट हो जाती है, तो हमारे बॉडी का जो डेली रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी भी उससे एक्सेप्ट करने को थोड़ा टाइम लगाती है, जो कि एक साइड इफेक्ट है जिससे कि हमारे हेल्थ पर हजार्ड हो सकता है, हमारे हेल्थ को रिस्क हो सकता है। सेकेंड वन इज़ फटीग एंड स्लीपीनेस। सो बेसिकली फटीग यानी कि अगर कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हो या फिर ओवर टाइम कर रहे हो कहीं पर, तो वहाँ से आपको फटीग होने के चांसेस हैं, स्ट्रेस आने के चांसेस हैं। एंड स्लीपीनेस मीन्स अगर आप लोग का शिफ्ट चेंज हुआ फ्रॉम डे शिफ्ट टू नाइट शिफ्ट, सो योर बॉडी इज़ नॉट अडेप्टेबल टू दैट थिंग, क्योंकि अगर आप लोगों को नाइट में बहुत सालों से आदत है कि आप लोग नाइट में सो जाते हो, ठीक है, तो नाइट में हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, जो हमारा ब्रेथ रेट है वो स्लो हो जाता है, जो हमारी हार्ट बीट्स है वो स्लो हो जाती है, एंड हमारा माइंड भी काम हो जाता है, क्योंकि बॉडी को पता होता है इतने सालों से कि अब ये हमारा स्लीप यानी कि रेस्ट मोड ऑन करने का टाइम है। बट जब भी आप नाइट शिफ्ट पर काम करोगे तभी आप लोगों को ज़्यादा एक्टिव रहना है ऐसे टाइम पर। सो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है आपके बॉडी के रूटीन को एंड आपका बॉडी भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता प्रॉपरली। सो एक हेल्थ हजार्ड है, इससे हमारे हेल्थ को रिस्क होने का चांसेस है। थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिजीजेस। सो बेसिकली स्ट्रेस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है अगर आप लोगों की स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, तो बेसिकली दिस इज एन साइड इफेक्ट ऑफ स्लीपलेसनेस या फिर स्लीपीनेस एट वेरियस टाइम्स। सो बॉडी को वो भी एक्सेप्ट नहीं हो पाता अगर आपकी नींद कंप्लीट ना हो, तो ये बहुत ही जेन्युइन है कि आप लोगों के जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ जाए, आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील करने लगो। अगर आपको एक प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला हो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो देर आर चांसेस कि आप लोग इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओ एंड आपके ऊपर जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्ट करे। सो दिस इज़ एन साइड इफेक्ट ऑफ स्लीपलेसनेस या फिर स्लीपीनेस एट रॉन्ग टाइम्स। सो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ साइड इफेक्ट और हेल्थ हजार्ड फॉर अस वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। एंड लास्ट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। सो आवर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स और वी ऑल आर प्रोन टू सच काइंड ऑफ डिजीजेस इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर रूटीन, हमारे एक्सरसाइज अगर प्रॉपरली नहीं हो रहे। सो बेसिकली इस जो पूरे रूटीन में हम लोग को पूरा एक्स्ट्रा टाइम निकालना सेल्फ हेल्थ पर, सेल्फ केयर पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसके वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी बात है, बट ये भी एक हेल्थ हजार्ड है हम सारे लोगों के लिए। उसके बाद लास्टली एज। सो एज की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ हजार्ड होते हैं हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल जो आफ्टर द एज ऑफ 50 हमारी जो डीप स्लीप है, जैसे हम कहते हैं कि एकदम गहरी नींद में सोना, वो कम हो जाता है एंड वी फॉल इनटू लाइट स्लीप जोन। सो बेसिकली जो हमारे स्लीप का जो शेड्यूल है वो भी चेंज हो जाता है एंड उसमें अगर हम बेसिकली शिफ्ट चेंजेस में काम करें तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है बॉडी के लिए। तो दिस आर बेसिकली द हेल्थ हजार्ड्स फॉर अस वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री एज एन टेक्नीशियन और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। बट इसका कुछ सोल्यूशंस है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो बेसिकली जो सोल्यूशंस है इन सारी हेल्थ हजार्ड से बचने का, वो है टेकिंग ब्रेक्स एंड सेटिंग योर बॉडी लिमिट्स। सो बेसिकली
अगर हमें ओवर टाइम करने को कहा जा रहा है एंड योर बॉडी इज नॉट एबल टू डू दैट या फिर 40 है, तो आप लोगों को उसे रिपोर्ट करना चाहिए। बेसिकली आप लोगों को बोलना चाहिए कि प्रोबेबली ये काम मुझसे अभी नहीं हो पाएगा कि बिकॉज आई एम फीलिंग फटीग। सो इससे जो रिस्क होता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट में भी अगर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट के चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में काम कर रहे हो, फटीग में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यहाँ पर चांसेस है कि आप लोग फटीग या स्ट्रेस में कोई चीज़ गलत कर दो जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो सकता है। सो अगर आप लोग गो आप लोगों की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है उस पर्टिकुलर टाइम पर और आप लोगों को कोई टास्क अलॉट किया जा रहा है, तो यू कैन से डायरेक्टली कि सर अभी नहीं हो पाएगा, आई एम फीलिंग फटीग और स्ट्रेस, एंड नो वन कैन फोर्स यू टू डू दैट। सो बेसिकली आप लोगों को ब्रेक्स लेते रहना चाहिए एंड कंटिन्यूसली अगर आप लोगों के अंदर फटीग बिल्ड हो रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट कैन बी रियली डेंजरस। सो उसके लिए हम लोग को एक शॉर्ट ब्रेक ऑफ 2 to 3 days लेना चाहिए ऑन सेल्फ केयर, एंड ऑल्सो हम लोग को रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए हमारे जो टाइट शेड्यूल है उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल कर। सो अभी तक हम लोगों ने बात की हेल्थ हजार्ड्स के बारे में, बट अब हम लोग बात करते हैं सेफ्टी हजार्ड्स के बारे में एंड बेसिकली क्या होते हैं ये सेफ्टी हजार्ड्स क्या होते हैं। तो सेफ्टी हजार्ड्स वो होते हैं जो अगर हम लोगों ने कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ्टी प्रोसीजर्स प्रॉपरली फॉलो नहीं किए तो उसके वजह से जो रिस्क होते हैं या फिर जो वर्क एरिया में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, दे आर कंसिडर्ड अंडर एज सेफ्टी हजार्ड्स। सो सेफ्टी हजार्ड्स को कम करने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला है रिव्यू योर टास्क। सबसे पहले आप लोगों को जो भी टास्क असाइन किया हुआ रहता है, बहुत बार चांसेस है कि वो टास्क करते करते हम किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग जाए या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए उस टास्क से। भले ही हमने वो टास्क कंप्लीट कर दिया, बट हम लोग को ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वेन एवर वी आर इन प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड और कॉन्सेंट्रेटेड हो, तब हम लोग को चेक करना है उस टास्क को एक और बार, हम लोग को उस टास्क को क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है कि सारी चीज़ें प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है या नहीं एयरक्राफ्ट। सो दिस इज द थिंग यू कैन डू। एंड सेकेंड वन, ओके, सेकेंड इज टू अवॉइड सेफ्टी हजार्ड्स वी मस्ट फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर्स। सो प्रॉपर प्रोसीजर्स का मतलब है हम लोगों को मैनुअल्स रिफर करके ही कोई टास्क कैरी आउट करना है, एंड ऑल्सो अगर हम लोगों को किसी टूल या इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ सीनियर और अदर पर्सन जिसने वो टास्क ऑलरेडी किया है आप लोगों के सामने, या आपको इन्फॉर्मेशन है कि वो टास्क उससे पहले अलॉट हुआ था, उनसे प्रॉपरली थोड़ा हेल्प और गाइडेंस लेके आपको टास्क करना है सेफ्टी हजार्ड्स को प्रिवेंट करने। थर्ड इज यूज ऑफ प्रॉपर सेफ्टी साइंस। जो जहाँ पर भी नेसेसरी है वहाँ पर हम लोग को सेफ्टी साइंस यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेट फ्लोर है तो वेट फ्लोर, एंड कहीं पर हार्नेस का नेसेसरी है तो यूज़ हार्नेस, कहीं पर कोई प्रॉपर टूल चाहिए तो वहाँ पर वो टूल का साइन, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो जब भी हम ट्रेसेस वगैरह लगा रहे हैं एयरक्राफ्ट पर, तभी हम लोग को मेक श्योर करना चाहिए कि उनके बीच में कोई गैप ना हो, क्योंकि गैप से भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने के चांसेस है। अगर कोई टूल गिर जाता है उस गैप में और नीचे कोई पर्सनल खड़ा है तो वहाँ पर उन्हें डैमेज होने का भी चांसेस है, उन्हें चांसेस है कि कुछ चोट वगैरह आ जाए। सो हम लोगों को प्रॉपर सेफ्टी साइंस एंड सेफ्टी थिंग्स फॉलो करना है, ओके। उसके बाद फोर्थ है एंश्योरिंग इफेक्टिव टीम कम्युनिकेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर अ ड्रीम वर्क्स बिल्ड बाय अ टीम। सो टीम से ही आप लोगों के जो सारा काम है, पूरा टास्क है, वो प्रॉपरली होगा एंड एयरक्राफ्ट मेंटेन हो पाएगा प्रॉपरली। सो हम लोगों को पूरे टीम को साथ लेके चलना है, और जब भी शिफ्ट हैंडओवर भी होता है फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर एंड आपका टास्क कोई और कंटिन्यू करने वाला है, तो उस टाइम पर भी जो आप प्रॉपरली जो आपकी पूरी डिटेल्स होगी वो भी प्रॉपर होना चाहिए, ओके। सो यू मस्ट कंसिडर हिम एज अ टीम एंड आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उन्हें पास करना है ताकि वो उस टास्क को कंटिन्यू कर पाए प्रॉपरली। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। एंड लास्टली प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट में आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि जो सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है इमरजेंसी कंडीशंस के लिए रखे हुए, उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली उस जगह पर इंस्टॉल है या नहीं। फॉर एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली उन जगह पर इंस्टॉल है नहीं है या नहीं, वो हम लोग को चेक करना है। सो बिकॉज एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एवरी सेकेंड काउंट्स, सो ईच सेकेंड कैन डैमेज और कैन किसी की जान बच सकती है एक सेकेंड में और किसी की जान जा भी सकती है एक सेकेंड में। सो एट द काइंड ऑफ टाइम ऑफ इमरजेंसी अगर हम लोग कोई इक्विपमेंट ढूंढ रहे हो उस जगह पर वो अवेलेबल नहीं है, देन दिस कैन बी वेरी डेंजरस। सो हम लोग को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होकर रखना है, इवन तो वर्स्ट होने के चांसेस कम है अगर हम लोग सारे सेफ्टी हजार्ड्स फॉलो करें। सो वी मस्ट फॉलो सेफ्टी हजार्ड्स एंड बी अ चैम्पियन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल आई वॉन्टेड टू से इन द वीडियो।
सारे लोगों को पायलट के हजार्ड्स के बारे में तो पता है कि वो ज़्यादा लाइफ रिस्किंग जॉब होता है, जो कि ऑब्वियसली है, बट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी काफ़ी ज़्यादा लाउड नॉइज में कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम काम करते हैं विद ईयरबड्स यूज़ करके. सो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है. सो जस्ट पुट अ हार्ट इन कमेंट सेक्शन फॉर ऑल द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स टेक्नीशियंस दैट आर वर्किंग फॉर अस थ्रू आउट द डे एंड नाइट. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट. अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोगों को पता ही क्या करना है. फिर भी मैं एक और बार बता देता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अगर आप लोगों को ये थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है. एंड आप लोगों को पता है कि जो हमारा चैनल है इस पर अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग फील होता है. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट.